मैंने आंख से देखा आपके पांव के नीचे मेंढक मरा। बहू सास को टोके, बेटा बाप को टोके और चेला गुरु को टोके, सहन नहीं होता। गुरु को सहन न हुआ, पास में पड़ा था नंदा उठाया और शिष्य को मारने के लिए खड़े हो गए। शिष्य दौड़ पड़ा, उपास्य थानक में खूब सारे खंबे थे, गुरु का सिर टकराया खंबे से, ब्रेन हेमरेज हो गया। जिंदगी भर तक तपस्या करने वाला संत जिंदगी में केवल एक मिनट का गुस्सा करने के कारण मरकर दुनिया का सबसे जहरीला सांप चंड कौशिक हुआ। सोचो हम कितने कितने जन्म तक सांप बिच्छू मकोड़े कीड़े बनने की अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। सोचो, सोच सोच कर सोचो। हम तो छोटी सी बात में आवेश में आ जाते हैं, चिल्ला पड़ते हैं, बहू पर बोल देते हैं, पत्नी को चिल्लाने लग जाते हैं, हो हल्ला करने लग जाते हैं, घर के वातावरण को नरक बना देते हैं। ये हमारा गुस्सा है, गुस्सा जो हमारे बेडरूम तक को नरक बना देता है। जिस रूम में आप पहली बार गए थे ना शादी करके, जिस रूम में कभी वहां पर परफ्यूम और फूलों की मालाएं और गुलाब की पंखुड़ियां लगी हुई थी, आज इस रूम में झंडू बाम, हरा बाम, लाल बाम लगाया जा रहा है। आखिर क्यों? आपका नेचर सही आप नहीं कर पाए। हम अपना नेचर सही नहीं कर पाए तो पहला संकल्प हम लेते हैं, हम दूसरों की गलती को क्या करेंगे, मत बना लो, आज से मत बना लो। अरे ज्यादा नहीं तो कम से कम 9 गलतियां माफ करेंगे। आपको पता है ना, भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ किया था। याद है कितनी गलतियों को? 99 गलतियों को माफ किया। अरे भगवान किसी की 99 गलतियों को माफ कर सकते हैं, हम किसी की 9 गलतियों को माफ करने का बढ़पन तो दिखा ही सकते हैं ना। मत बना लो आज से, क्या माफ कर देंगे, बोल लो एक बार, क्या कोई बात नहीं, हो गया हो गया। आप घर जाएंगे और देख रहे हैं पत्नी के हाथ से कांच की गिलास फूटी, आप मत फूटिएगा, आप शांत रहेगा, हो गया कोई बात नहीं, फूट गया फूट गया, नुकसान लग गया लग गया, ड्राइवर से कोई कार की टक्कर लग गई लग गई, बच्चे से कोई चीज का नुकसान हो गया हो गया। किसी की भी 9 गलतियों को माफ जरूर करना। याद रखना, रात को सोने से पहले जो व्यक्ति किसी की 1 गलती माफ करता है, सुबह उठने से पहले भगवान उसकी 100 गलतियां माफ कर देता है। मन बना लो आज से, संकल्प ले लो, मैं अपने कम से कम परिवार के लोगों की 9 गलतियों को जरूर माफ कर दूंगा। ठीक है, हो गया कोई बात नहीं।